और क्यों काया भटका जोड़ जोड़ के घर जागा और श्री गीता ज्ञानी सुनिया कर बंदे तू पर उतर जागा अच्छी बात उस कवि ने लिखी कि क्यों काया भटकावे तू माया जोड़ जोड़ के दर्जा का श्री गीता ज्ञान सुना कर बंदे पर पार यू कह रहे ये पैरा बूढ़ा बूढ़ा जो बैठे इन्हें ये पहले नहाया करता जो पानी गिरे करता जो हरे राम हरे कृष्णा भगवान को नाम मुंह से निकला करता लेकिन आजकल आला तो पानी लगता नहीं बाहर तो पकड़ लग जा भगवान ने जाने क्योंकि आजकल के संस्कार सजमा से हो गए भली बता का जमाना रहा अपने ये गाना बजाना बजाना है तो चल गया आजकल बोलो मुछा का मरोड़ी मारो चलो गाल मसाला कौन बोले मुको भला आदमी सुनता होगा तो दूसरा के जेली के देगा मुको कोई भला आदमी काम करेगा कोई भला कर्म करेगा सज लो नंबर एक मुझ कवि ने बता कैसे हो 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 चल गया राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे आज कोई भी गाता ना आज धूमचिक होरी समझ में कुछ भी आता ना
पांच चार के छोड़ी खड़ी के ना चला जाओ पांच मारे भर का फैल है चाहे कितना ज्ञान ढोने जाओ कोई समझ की बात कौन सा समझ हर चीज नकली चाहे भारत देश में हर चीज को मिलावट पैदा हो कोई स्कूल का माइन इंस्पेक्टर साहब चला गया और एक पांचवी क्लास के छोरे ने खड़ा कर दिया बोले छोरा खड़े हो पांच का पढ़ा सुना ये छोरा की पिंडी तू जोड़ा क्या क्या मासू आ गया बोले मुझे मन तो पांच का पढ़ा को नहीं आराम खोर तू पांचवी क्लास को स्टूडेंट कर पांच का पढ़ा को नहीं आ बोलो गुरु जी मैं तो स्कूल कोई को नहीं तू कौन सी स्कूल का सब आई बोलो गुरु जी मैं तो स्कूल का गर्ल बड़ा बेच रहा है कौन मास्टर पांच रुपया दे के बैठा दिया मैं तो पांच रुपया का लालच मार के बैठ इंस्पेक्टर साहब लाल ताता हो गया और मास्टर जी को बोलो मास्टर जी ये बच्चे डुप्लीकेट क्यों बैठा रखे हैं वो दिन भगवान के जाए मास्टर भी नकली आए बोल जी मन तो आपको मेरा मैं तो आप मेरा भाई की जगह रहे हो बोलो बोलो कहीं आ बोलो आज मेरा भाई डो वो मंडी में सामान ले आना चले गए फिलानी मन उरे भेज दियो इंस्पेक्टर साहब और लाल ताता हो गया हेडमास्टर जी का रूम में पूछ के दो चेहरे डांट मारी बोला हेडमास्टर जी ये बच्चे नकली है टीचर नकली है क्या बात है हेडमास्टर भी नकली है बोल जी मन तो आप कंदर मत आप मेरा बाप की जगह है बोलो आज बोलो कहीं आ बोलो जी को साक्षी अर्था अभियान में कोई मुकदमा ला गया माला पिताजी आज कोर्ट में झूनू चलेकर मन हुए भेज दिया बोला अच्छा बोलो जी मेरे पिताजी एक बात और कही बोले बेटा लो तो चेक करनी हो कोई आवे को ना अरे साहब खुदा को यहाँ भी जा तो रिश्वत साला 10,000 रुपया पकड़ा दिए को बोलो ही बोलो इंस्पेक्टर साहब 10,000 रुपया गोज में गाली देने बोलो मेरी बात सुन यो तो शुक्रमान मत रहो 10,000 रुपया हम काम निकाल दिए मेरी जगह को असल इंस्पेक्टर हूँ तो तेरह 1,00,000 रुपये दिए पंडो को छोड़ नकली वो भी सच में हर चीज नकली चाल के भारत देश में लेकिन असली क्या है जहां पर जति सती नहीं नहीं नाम राम का और जहां हरी भजन सत्संग नहीं वो नगर किस भगवान का नाम होना बहुत जरूरी है सजना ये गाना बजाना काकी ताई बैठी ये भी करें हरियाणा को बटे उच्च ले जाना है जना हरियाणा की बीरबानी और जीचा ने देख देख के गीत का हरियाणा का गीत सबसे ना के कौन सा रजी जा तेरी पतंग में बड़ जा तेरी पतंग बन जाऊं जीजा तेरो कंग शिव बन जाऊं जीजा का बाल है का कताली कोई भूए भी जीते रहा ये बेतु का काम सजनों चाल गया सुरजीत भाई ने बालाजी महाराज को ध्यान लगाने के लिए बोला लेकिन सबको ध्यान उग चुको उन टाइम में तो दो आई थी मैं खड़े जना दो और आगे सबको और भी उग चुको ना ध्यान लगाना बहुत जरूरी सजनों बताते हैं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त नंबर दो में उसके मैंने बताया सबसे बड़ी सेवा किसकी बताई गई ये रमात पिता और ये मात पिता गुरु को की सेवा कर ले तन मन धन लागे सेवा ते तेरी पार हो के वा देख लिए कर संत की सेवा लोगों माया बसिया के और भूखे न भोजन करवा के भूखे न भोजन करवा के जाने कहे बिना मेरे रूम भी कुंद रुके जाता ना बता कोई
हरियाणा की बुढ़ल की जीवा अपने राजस्थान में ब्याहेगी और भगवान को कर्म हो कि बूढ़ी हो 70-80 साल को हो रहे हो और वो बुढ़ल की बूढ़ी हूँ घनो प्यार करा करती और एक दिन भगवान ने प्यार होगा बूढ़ी एक बार बुढ़ल की रो रो के पूरे गांव ने भेड़ो कर लियो गांव की लुगाई पताई इकट्ठी होगी ये था पांतरिया रो रंडारू रोह के शाणा बोले मरती एक की बूढ़ी हो वो भी जातो रहे मैं रंडारू सबका एक हो क्यों है वो बुढ़ल की ने बुढ़ा में बाबूती रोवे रुआ डटे को ने एक मनो छोटनी बेटे की भूखी में समझदार थी बोले ओ माँ रो नो मत करया करो वो तो टूको ते खाण दो ना को ते खाओ ने बोला बेटी मैं 70 साल बूढ़ी सागे गुजारी में कहीं भूल जाऊं बोले काम करे करो सात पदक अपनी पहचान खोल के उस आड़ में डाले करो बाहर का वातावरण देखो आज ना भूल जाओगा ईब बापू ने दी पहचान खोल के उस आड़ में चाल पड़ी और वह पड़ जानी भैंस चरती चरती बूढ़ी वाला मुसाना मियाँ के चलने लगी गैल गैल बुढ़ती भी पूछी आर देख के वो मुसाना ना रबू डलती ऊपर सा पड़ी मुसाना के और जोर जोर रो रहे मेरा कैसे का ठगर भगवान को कोई करना हो बुढ़ती जू लाड करया खोपड़ी में बड़ा पांचर टाटिया भट रहा बुढ़ती को ठाकर नहीं करना और एक टाटियों मुड़ो बड़ी कहते वो बुढ़ती लाड कर रही हूँ खोपड़ी का हर जू को टाटियों लड़ बुढ़ती का तीनों फैसा बिजली बरोबर आई पूछ के पसीन और पका के हमारी खोपड़ी ने अरे मर रहे सीता ना सी बुढ़िया मरन ना मर गयो चूते बटके और काम ही भी कोई छोड़े खाने हम लोग सजनों में चाहे कितनों ज्ञान ढोल लो लेकिन ये जब तक ये मर्डम दिखी नहीं तो मेरे लोग ज्ञान तो व्यर्थ खत्म एक लाइन और बची है एक मिनट की बची है बाद में बैठ चुके अंतिम लाइन में बताया कि सारा खेल सजनों नजरों का अगर ये नजर अच्छी है तो दिमाग भी पॉजिटिव है बताते हैं इनपुट एंड आउटपुट अगर अच्छी बातों को हम ग्रहण देखेंगे तो अच्छी बात हमारी जुबान से निकलेगी सजनों और अच्छी बातों को हम नहीं सुनेंगे तो सारी बातें एंड बेंड निकलेगी तन अंतिम लाइन कुछ कहने कितनी अच्छी बात का प्रदर्शन किया सजनों वो तिरछी नजर लखाने वाला यो काना अंधा हो जाता मांस मिट्टी के खाने वाला लोगो कीड़ा कंधा हो जाता मिट्टी के कीड़ा कंधा हो जाता और दुखिया न तरसाने वाला सब शर्मिंदा हो जाता सबको बंदगी करता रहे उसे हर का बंदा हो जाता धंधा हो जाता आप धंधा हो जाता